हेलो फ्रेंड्स, मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। आज हम बनाने वाले हैं फेयरनेस नाइट क्रीम, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं इसको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अर्थ ब्यूटी चैनल। तो आप सभी कैसे हो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे फेयरनेस नाइट क्रीम बनाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम मैंने यहाँ पर लिया है 8 to 9 बादाम और 8 to 9 पिस्ता, और इसको हम मैंने रात भर भिगो के इसको छोड़ दिया है। रात भर भिगाने के बाद हम इसको छिलका निकालेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करेगा और आपकी जो डार्क स्पॉट्स होता है उसको रिड्यूस करेगा, और जो डेड सेल होता है उसको निकाल के आपको ग्लोइंग एंड क्लियर स्किन देगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये सारी स्किन टाइप के लिए 100% इफेक्टिव है। तो हम इसकी स्किन को पील ऑफ कर लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, बादाम और पिस्ता का, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए इसको, और हम इसको एक क्लीन बाउल पर रखेंगे। बादाम में बहुत ज़्यादा विटामिन ई और गुड फैट्स होता है जो हमारी स्किन को नरिश एंड हमारी स्किन को ब्राइटेट करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमारी जो डैमेज टिश्यूज होती है उसको रिपेयर करके हमारी स्किन को मॉइस्चराइज एंड रेडनेट देता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पिस्ता को हम इस पर यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिस्ता हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसकी हम स्किन को फिल अप कर लेंगे और एक क्लीन बाउल पर हम इसको रखेंगे, और इसके बाद हम सारे इसको स्किन फिल अप करने के बाद हम एक मिक्सर की हेल्प से ग्राइंड करके इसको हम बारीक हम इसको करने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसको हाई स्पीड पर रखकर ग्राइंड कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा बारीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये भी क्योंकि ऐसे ही होता है, ज़्यादा बारीक नहीं होता है ये, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमें चाहिए 2 बड़े लेमन, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए इसको हमें पूरी की पूरी नहीं डालनी इसके अंदर, इसको हम बाहर का जो पीला भाग है हम इसको ग्रेटर के हाथ से ग्रेट करके इसका सारा पीला भाग निकालेंगे, ठीक है ना। इसको हम इस पर ऐड करेंगे, देखिए इस तरह से ऐड करने के बाद हम इस पर 3 टीस्पून दही ऐड करेंगे। इसके पानी ऐड नहीं करना, इसको बस ओनली दही ऐड करनी है इस पर। इसके बाद हम इस पर 1/2 टीस्पून हल्दी, कस्तूरी हल्दी ऐड करनी है इसको, क्योंकि कस्तूरी हल्दी 100% इफेक्टिव होता है और प्योर भी होता है, हमारी स्किन के लिए बेस्ट होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम इस पर जो हमने पहले क्रश किया था बाहर का जो छिलका निकाला था पीला भाग, उसका जो आधा लेमन कट करके इसका पूरी की पूरी जूस इसके अंदर डाल दीजिए, ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद उसको मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर दीजिए एक बार, फिर हाई स्पीड पे रखकर इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद आप इस पर 2 विटामिन ई की कैप्सूल डाल दीजिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह का पेस्ट दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, ये 100% नेचुरल है और 100% इफेक्टिव है फ्रेंड्स। ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए फ्रेंड्स। तो आपको ये पेस्ट इस तरह का दिखने लग जाएगा, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, और रात को सोने से पहले आपको इसको लगानी है, और आपको आपके फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए पहले। वॉश करने के बाद जितना क्वांटिटी में आपको चाहिए क्रीम उतना निकाल के आप इसको लगा सकते हो, और अच्छी तरह से 2 मिनट तक इसको मसाज कर लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। मसाज करने से आप जो सारा कुछ है हमारी स्किन पर अब्जॉर्ब हो जाएगा, हमारे जो ये क्रीम में जो भी गुड फैट्स है ये सारा कुछ हमारी स्किन के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और हमारी जो स्किन पर डर्ट सेल है उसको आसानी से निकाल के बाहर फेंकेगा, और इसको हमारी जो स्किन पर जो डार्क स्पॉट्स होती है उसको रिड्यूस करता है, और हमारे फेस को ग्लोइंग और क्लियर बनाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से 2 मिनट तक मसाज करते हुए लगाइए, और इसको पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आपको ये हफ्ते में 2 हफ्ते तक आपको ये रेगुलरली यूज़ करना है, उसके बाद भी आप ये कंटिन्यू रख सकते हो फ्रेंड्स। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय फ्रेंड्स।